तो नाउ कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो नाउ टेकिंग द जस्ट मोमेंट, क्योंकि इसके अबाउट ये चीज़ रोटेट हो रहा है, तो वी टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, ओके दिस इज द पिवोट। तो ये पिवोट के अबाउट ही मेरा चीज़ ये रोटेट कर रहा है, तो दिस इज आवर सपोज दिस आवर पिवोट। तो पिवोट में एफ के चलते जस्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस नॉर्मल इज ट्राई टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्मल सस्टेव क्या करना चाह रहा है, इसकी इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा, तो ये हो गया मैं जस्ट ट्राई टू, और दिस इज डायरेक्शन, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट दिस नॉर्मल रिएक्शन इज दिस डायरेक्शन, दिस इज ट्राई टू रोटेट द रिवर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो दिस इज द रिवर अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस दिस पिवोट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एप्लीकेशन पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवोट इज कॉल्ड टू ए। तो इट्स द वेरिएशन, यहाँ पे ए बी में वेरिएशन कर सकता, तो ए बी में अगर वेरिएशन करोगे तो कैसा आएगा इक्वेशन, उस पर भी हमारा फैक्टर बनेगा हमारा ब्रेक। तो इसलिए ब्रेक का जो डायमेंशन होता है बहुत कैलकुलेटेड डायमेंशन होता है, जो तुम साइकिल जब चलाते हो तो उसमें बहुत ही कैलकुलेटेड हमारा रहता है कि कैसे काम करेगा, ओके। ओके नॉट टेकिंग द मोमेंट, द टेकिंग द मोमेंट, टेकिंग द मोमेंट, टेकिंग द मोमेंट, अबाउट द पिवोट, तो पिवोट ए ओ के अबाउट हम लोग जो मोमेंट को देख लेते हैं, ओके। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, कुछ और भी फोर्स है, यस बिल्कुल फोर्स है। इसको देखोगे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये पिवोट का कितना बीट में डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को मान लिया गया सी। ये ऐसा इसलिए कि ये भी हमारा कहीं ट्राई करेगा मोमेंट है, तो ये फोर्स है, तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों उसके पास होगा, तो ये भी कुछ ना कुछ मोमेंट लगाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए पिवोट में वेरिएशन भी फैक्टर करता है कि पिवोट यहाँ पर है, कि पिवोट को हम यहाँ पर रखें या पिवोट को यहाँ पर रखें। तो एक पहला केस है कि पिवोट को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ब्रेक का फंक्शन कैसे काम करेगा हमारा। तो सपोज दैट द पिवोट पॉइंट एट दिस पॉइंट इज जस्ट बिलो टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द शू टू ड्रम एट दिस, ओके दिस इज आवर दिस लाइन एंड दिस लाइन द डिस्टेंस बिटवीन सी। तो दिस फ्रिक्शन इज जस्ट अबाउट दिस पॉइंट इज ट्राई टू जस्ट ट्राई टू डायरेक्शन अबाउट दैट पॉइंट, ओके। तो ये मेरा एक जो मोमेंट लगेगा, तो मेरे यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा उसको हम इक्वेट कर सकते हैं मोमेंट को हम लोग हैं, ओके। F into A, okay. नेगेटिव, ये उल्टा घुमाएगा, रिएक्शन आर ए इंटू बी, क्योंकि ये डिस्टेंस इस दोनों के बीच का B है मेरा B, एंड प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू आर एन इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस सिंपली सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशंस वी गेट द एफ एफ इज इक्वल टू आर एन b minus mu c, that's a. So just simplify this equation, we get this is the external force is equal to normal reactions b minus mu c by a. This is our basic equations. When
the when drum is rotating into anti-clockwise direction. So this is when rotating this direction. Okay. Now first case, when the B is equal to mu C. Okay, जब ये B mu C के बराबर हो गया, मतलब इसका जो magnitude हो गया है, okay, ये magnitude अगर mu C के बराबर हो गया, C मतलब distance हो गया है और coefficient of friction से मेरा ये force लग गया है. अच्छा, ये याद रखोगे कि mu is dimensionless quantity because the friction force is mu into r. So this is a newton. This is a newton. So this is a dimensionless quantity. Is the coefficient of friction. So there doesn't matter. This is the only constant term. And b is equal to mu c. If the c is maybe is a small, suppose this is small compared to b, just multiply with the c, it's become to b. This case, when f is equal to 0, so it means that when f is equal to 0, the friction force to mera yahan pe 0 nahi hua hai. Yes, to nahi ki main mu 0 ho gaya to friction force 0 hai nahi, friction force lagega mera hai. It means yahan pe ye ho gaya ki force needed to apply the brake is virtually zero. This term means ये real में इसके ऊपर कोई external force लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये virtually zero हो जाएगा. Okay, कहने का मतलब ये है कि अगर first term अगर force अगर इसके साथ है, figure थोड़ा यहाँ पे clear हो जाएगा. अगर यहाँ पे मेरा drum इसके साथ कांटेक्ट में है मेरा है, ओके है, सिर्फ कांटेक्ट में है, तब भी मेरा ये ब्रेक इसके ऊपर लग जाएगा. मींस उसके ऊपर बाहरी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगा. ओके, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे ब्रेक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक. तो सच टाइप ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग. ओके, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है कि सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, जहाँ पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब कि जो फोर्सेस होता है वो वर्चुअली ज़ीरो होता है, और उसमें हमारा अगर सिर्फ हमारा कांटेक्ट रहेगा जो शू के साथ, ड्रम के साथ, तो वो इतना इनफ रहता है कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स ही काफ़ी हो जाता है ब्रेक को लगाने का. मतलब ये सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, मतलब विथआउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन दिस फोर्स इज जीरो, तब भी इसमें ब्रेक लगेगा विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन. मतलब इसमें इतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि ये अब इसको अपने आप लॉक कर देगा. ओके, अगर कब उससे अगर टच हो गया तब भी इस चीज़ को रोक, इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर इसको देखा जाए कि हम कुछ और आगे बढ़ा देते हैं कि नाउ क्या मीनिंग है मेरा है. एंड नाउ सपोज दैट और अगर ये फोर्स का डायरेक्शन अगर क्योंकि आप थोड़ा पिवोट को साथ चेंज करेंगे. ओके, पिवोट को अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे, क्या क्या होना चाहिए मेरा पिवोटिंग पॉइंट. नाउ अब पिवोट ये जो मेरा यहाँ है, और अब इसको हम लोग यहाँ कर दिए. ओके, ये यहाँ पे पिवोट पॉइंट था मेरा, तो अब पिवोट पॉइंट को हम लोग अगर वेरिएशंस करेंगे, पिवोट पॉइंट यहाँ पे तीन अलग अलग कैसे पिवोट को चेंज करेंगे, तो क्या मेरा इक्वेशन किस तरह का आ सकता है. ओके, नाउ सपोज दैट कि इफ़ द पिवोट पॉइंट इज़ द चेंजेस. ओके, द पिवोट पॉइंट इज़ द चेंजेस. नाउ द पिवोट पॉइंट इज़ It just here, okay, and just here. तो अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, this point is called the C,
और यहाँ पे लेंगे दिस पॉइंट में भी द सी, अलग अलग पॉइंट हम ले लेते इसमें हैं। तो पहला केस में अगर हम लोग सी यहाँ पे लेंगे तो इट इज़ जस्ट ट्राई टू रोटेट, इसके बाद क्या होगा, जस्ट ट्राई टू रोटेट द दिस डायरेक्शन, जस्ट दिस डायरेक्शन। ओके, तो अगर इसमें पिवोट पॉइंट हम लेंगे तो इस पॉइंट पर लेंगे तो मेरा पिवोटिंग पॉइंट क्या हो सकता है, फोर्स, तो सब कुछ फोर्स तो मेरा सेम ही होगा, तो सेम इन दिस केस, तो एफ इंटू ए। ओके, रिएक्शन तो मेरा हमेशा अपवर्ड की तरफ काम होगा, तो आर ए इंटू बी, और दिस विल बी द नेगेटिव हेयर बिकॉज दिस जस्ट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है इसके अबाउट, तो ये ट्राई करेगा इधर, ये ट्राई करेगा इधर, जस्ट इसके उल्टा काम कर रहा है ये फोर्स, अब क्योंकि जब पिवोट को हम प्रेशर कर देंगे तो इट बिकम द नेगेटिव इनटू सी, जीरो, एंड जस्ट सॉल्व इक्वेशन वी गेट, जस्ट सिंपली इक्वेशन सॉल्व इज आर एन बी प्लस म्यू सी बाई। What here? What's the meaning of this? Means, if B equal to mu C, okay, then become the F is equal to Rn is become the 2B by A. So for this step of the friction break is called the self-energized ब्रेक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो मेरा फ्रिक्शंस फोर्स है, दिस इज अ जो फ्रिक्शंस फोर्स है वो ऐड हो जा रहा है, किसमें ऐड हो जा रहा है, तो इसमें ऐड हो जा रहा है, ये दोनों क्या है, दो ऐड हो गया है, तो ये कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऐड हो जा रहा है, तो ये ऐड मतलब कि वो और हेल्प नहीं कर रहा है बल्कि अब वो और रिटार्ड कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत होगा, तो ये जो ब्रेक होगा वो सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक होगा, सेल्फ अपने आप को तैयार करके उसको ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, तो इट इज़ अ सिंपली रूल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ लॉकिंग एंड सेल्फ एनर्जाइज द ब्रेक, इट इज़ अ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन, जहाँ पर मेरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ काम कर दिया रोकने के लिए तो वो मेरे लिए ठीक हो गया, वो बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग, जहाँ मैं फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर दिया जबकि फ्रिक्शन फोर्स और मेरा अप्लाइंग जो ब्रेक जो है उसके साथ हेल्प कर गया तो उसको मैं सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक कहा जाता है। तो ये मेरा जो बेसिक डिफरेंस था इस दोनों के बीच में वो हो गया है। और अब थोड़ा सा केसेस को हम ये देख सकते हैं कि हम अगर पिवोट पॉइंट को और कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे तो हमें किस किस तरह का रोटेशन मिल सकता है। तो ये हमारा एक बेसिक इक्वेशन है जो हम बार बार यूज़ करेंगे इस चीज़ को हम लोग हैं। तो ये हो गया फोर, यहाँ पे देखना कि पिवोट का रोटेट, पिवोट का पॉइंट कौन सा हो गया है, फोर्स का डायरेक्शन किधर क्या हो रहा है, तो ये चीज़ को हमको देखकर ही इसके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग हैं। ओके, अब एक फिगर यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, इसका फिगर देखना है कि कैसा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा अगर लिंक ये लीवर हो गया, ओके दिस इज़ अ लीवर, ओके, और मेरा ये हो गया ब्रेक ड्रम, ओके ये हो गया ब्रेक ड्रम, दिस इज सेंटर, दिस इज अ पिवोट पॉइंट, सपोज दिस इज अ पिवोट पॉइंट, ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ से बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा सी मान लेते हैं। नौ, तो अब यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, इसका डायरेक्शन फोर्स इधर के ऊपर होगा, अगर इधर फोर्स हम देंगे तो ये मूवमेंट ऐसे होगा तो ये चीज़ में उड़ जाएगा, तो ये जब भी फोर्स हम देंगे तो इस डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, जस्ट ट्राई टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ओके, इससे पहले वैसे क्या था कि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि पिवोट बना बीच था, इस ऑब्जेक्टिव में रखना है कि जब लीवर है, लीवर के एक इन में फोर्स अप्लाई करें और बीच वाले में हमारा लास्ट वाले में ब्रेक शू हो, तो पिवोट
बीच में होगा और तब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि पिवोट यहाँ पर मेरा है और फोर्स यहाँ पर हम देंगे, तो जो सिस्टम होगा वो बीच में होगा, तब फोर्स हम लोग नीचे की तरफ देगा ताकि ये रोटेट कर सकता है। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे मेरा बी मान लेते हैं, सपोज दिस इज अ रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग अपने घर में प्रैक्टिस करोगे इसको, इसका इक्वेशन यहाँ पे क्या आना चाहिए। ओके,